नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेजन में अपने पुराने फ़ोन को देकर नया फ़ोन कैसे खरीदें, मतलब कि अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके उसके बदले नया फ़ोन कैसे लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अमेजन में अपने फ़ोन को एक्सचेंज करने के लिए ओपन करते हैं अमेजन शॉपिंग ऐप को। दोस्तों अगर आप अमेजन में अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अमेजन में फ़ोन को एक्सचेंज करने के लिए आप जिस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं उस फ़ोन का यहाँ पे आपको नेम डालना होगा। तो यहाँ पे मैं सैमसंग का M30 खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये सैमसंग का M30 है और इसका प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने रुपीज है। तो अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके ये फ़ोन खरीदने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस फोन की आप पूरी फीचर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। हमें अपने फोन को एक्सचेंज करके ये फोन खरीदना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विथ एक्सचेंज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिला हुआ है विथ एक्सचेंज। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विथ एक्सचेंज पे। अब यहाँ पे आपको अपने फोन की ब्रांड सेलेक्ट करना होता है, अपने पुराने फोन की ब्रांड सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ब्रांड पे। अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन की कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे Xiaomi का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं Xiaomi पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा फ़ोन Xiaomi का है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे Xiaomi पे। आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा, आपका फ़ोन जिस कंपनी का हो आप उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं मॉडल नंबर Redmi 8 मेरा फ़ोन है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे Redmi 8 पे। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये मेरा फ़ोन का वैल्यूएशन है 3550 रुपये है, मतलब कि मेरा नया वाला फ़ोन आएगा तो उसमें से 3550 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कि ऑर्डर करते समय 3550 रुपये मेरे को कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का EMI नंबर डालना होता है। तो अपने फ़ोन का EMI नंबर जानने के लिए आते हैं अपने डायलर पैड में, यहाँ पे ओपन करते हैं अपने डायलर पैड को और यहाँ पे आपको डायल करना होगा *#06#। तो यहाँ पे आपके फ़ोन का EMI नंबर मिल जाता है और ये EMI नंबर अमेजन ऐप्स में डालना होता है। तो यहाँ पे मैं इस EMI नंबर को अमेजन ऐप्स में डाल रहा हूँ। EMI नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इंटर। तो यहाँ पे आप EMI नंबर सही डालते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलता है EMI नंबर विल मैच। अब आपको इस मोबाइल को परचेज करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बाय नाउ विथ एक्सचेंज। आप एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने फ़ोन के साथ तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा बाय नाउ विथ एक्सचेंज। यहाँ पे आपकी एड्रेस आ जाती है, अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एडिट एड्रेस। मैं इस एड्रेस पे इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक करूंगा डिलीवर टू दिस एड्रेस। अब दोस्तों यहां पे अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना होता है कि आप किस विधि से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लॉकडाउन की वजह से ये ऑप्शन हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी मोबाइल डिलीवर की जाती है उस टाइम आपकी पुराने फोन आपसे ली जाती है और उसका EMI नंबर जो आप एप्स में डाले हैं उससे मैच कराया जाता है और साथ ही देखा जाता है कि ये मोबाइल में कुछ खराबी तो नहीं है। दोस्तों कम बैटरी बैकअप का होना या फिर डुप्लीकेट स्क्रीन का लगा होना ये मायने नहीं रहता है, मतलब कि केवल और केवल आपके फोन ऑन होना चाहिए और उसके डायल पैड का सभी नंबर काम करने चाहिए और ये सब कुछ ठीक है तो फिर आपके कुरियर पार्टनर आपके पुराने फोन ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।